लेकिन करहेल की जनता जो समाजवादियों से अपना बहुत पुराना रिश्ता मानते हैं, ये रिश्ता बनाया हुआ नहीं है, ये बना हुआ रिश्ता है। इस बार जो परिणाम आएगा, जो इस बार परिणाम आएगा, जीत का भी ऐतिहासिक परिणाम होगा और हार का भी ऐतिहासिक परिणाम होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव में परिणाम आएंगे उसमें करहेल का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम होगा और कामनाएं करेंगे कि ये स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पे भी ऊंचाइयों तक पहुंचे और हम सब लोगों को वो समय समय पर आशीर्वाद देते रहें। हालांकि जन्मदिन के दिन हम सब खुशी मनाते हैं, आज जिस समय हम लोग जन्मदिन का कार्यक्रम कर रहे हैं चुनाव की तारीख भी आ गई है, इसलिए जितने सादगी से कर सकते थे उतना सादगी से उन्होंने किया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। क्षेत्र के लोग यहां पर मौजूद हैं, पार्टी के सभी जिम्मेदार सम्मानित हमारे नेता कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं, मौजूद हैं यहां पर, हम सब लोग उनको शुभकामनाएं देने आए हैं। आपसे हम सब समाजवादी लोगों का कोई आज का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है हम लोगों का। एक पारिवारिक रिश्ता के साथ साथ हम लोग न जाने किस समय से एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। हम सब लोगों ने साथ मिलकर के बहुत काम किया है, राजनीतिक काम किया है, सामाजिक काम भी किया है। जिस समय मैं कॉलेज में आया तो उन्होंने बताया कि जन्मदिन तो है लेकिन आपके लिए अलग से भोजन भी है, और ये सच्चाई है कि जिस तरह का भोजन आज उन्होंने हमारे लिए बनवाया शायद ही हम लोग खा पाते, बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि समय बदला है, चीजें बदली हैं, तो वो हाथ की रोटी या गांव का खाना मिलना बहुत कम हो गया है। इधर जैसे हमारा आपका जीवन फास्ट हुआ है उसी तरह खाना भी फास्ट हो गया, और फास्ट फूड के चक्कर में हम लोग पड़ गए। जहां केक कटा करके हम लोगों ने बधाई दी है उनको, माला पहना के बधाई दी है, शॉल पहना करके सम्मान किया है, हमें उम्मीद है कि वो इसी तरीके से हम लोगों के बीच में रह करके समय समय पर हम लोगों को गाइड भी करेंगे और हम लोगों को आशीर्वाद देने का भी काम करेंगे। आज चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है, बीजेपी की भी सूची आ गई है। बहुत इंतजार था कि बीजेपी के लोग किसको उतारेंगे, हमें लगता है बीजेपी के लोग भी हम लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई, अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं वो लोग। और हिंदी के प्रोफेसर, अंग्रेजी के प्रोफेसर कभी बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे रिश्तेदारवादी और परिवारवाद में क्या फर्क है। लेकिन करहेल की जनता जो समाजवादियों से अपना बहुत पुराना रिश्ता मानते हैं, ये रिश्ता बनाया हुआ नहीं है, ये बना हुआ रिश्ता है। इस बार जो परिणाम आएगा, जो इस बार परिणाम आएगा, जीत का भी ऐतिहासिक परिणाम होगा और हार का भी ऐतिहासिक परिणाम होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव में परिणाम आएंगे उसमें करहेल का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम होगा, और मुझे पूरा भरोसा यहां के हर वर्ग के लोगों पर और खासकर पीडीए के परिवार के लोगों पर। हमारे पीडीए परिवार के लोग ये संकल्प लेंगे आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी का हार का भी रिकॉर्ड अगर कहीं बनेगा तो करहेल में बनेगा।
हमारे पार्टी के यहाँ पर नेता हैं, यहाँ के प्रभारी और हमारे आजमगढ़ के पूर्व मंत्री आदरणीय चंद्रदेव राम पूर्व मंत्री जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय शोभराम यादव जी, विधायक अताउर रहमान साहब, विधायक ब्रजेश कठेरिया जी, एमएलसी मुकुल यादव, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष आलोक साकी जी, सर्वेश साकी जी, अनिल यादव जी पूर्व विधायक राजू यादव जी, हमारे नामाराशी अखिलेश यादव प्रचार जी, नीरज यादव ब्लॉक प्रमुख जी, मैं उनका विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में बुला करके हमें और आपको मिलने का एक मौका दिया। चौधरी अब्दुल नईम साहब, राम नारायण बाथम जी हमारे पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता और पार्टी के हमारे प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जी से लेकर के बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारी पार्टी के जो नेता बैठे हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी हमारे नेता सांसद आदित्य यादव जी से लेकर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जिम्मेदार नेता और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्ग माताएं बहने, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं जहां बधाई दे रहा हूं वहीं मैं यहां के लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सबसे कम मैं आया हूंगा और नेताजी और आप सबका, जितने लोग बैठे हैं मंच पर, ये सब परिवार के लोग बैठे हैं, एक दूसरे से बहुत गहरे संबंध हैं। मैं बहुत कम आया, उसके बाद भी आप लोगों ने रिकॉर्ड मतों से जिताया, न केवल हमें जिताया बल्कि हमेशा जिताया। मैं चाहता था कि तेज प्रताप यादव जी भी सांसद बन जाए और हम अपनी विधायकी न छोड़ें, लेकिन वो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी और हमारे कन्नौज के लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा दिया, जिसके कारण हमें कन्नौज दोबारा चुनाव लड़ने जाना पड़ा। कन्नौज से मैं तेज प्रताप जी को लड़ाना चाहता था लेकिन नहीं लड़ा पाया, तो मैंने अपने सभी वरिष्ठ नेताओं से समय समय पर जानकारी ली, समय समय पर पूछा, क्योंकि बहुत दिन से उनकी छुट्टी चल रही थी, इसलिए उनका अवकाश खत्म करने का काम हम लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां लोग उन्हें जिता करके भेजेंगे। करहल विधानसभा बीजेपी के हिसाब किताब में भी जीत का नहीं है, वो जानते हैं कि करहल से नहीं जीतेंगे, वो ये भी जानते थे कि अयोध्या से नहीं जीतेंगे, इसीलिए आपने देखा जहां 10 विधानसभाओं का चुनाव होना था, एक विधानसभा का चुनाव नहीं हो पा रहा है, 9 विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है, और विधानसभा इसलिए नहीं करा रहे हैं वहां पर क्योंकि वो जानते हैं कि उनके इंटरनल सर्वे में बीजेपी बार बार हार रही है, और आरएसएस से लेकर के उनके तमाम सहयोगी संगठन जो है, उन्होंने जो इंटरनल सर्वे कराया अपना, उसमें अभी भी वो जीत के करीब नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए दोबारा ना वहां से हार जाएं अयोध्या से, इसलिए उन्होंने चुनाव टाल दिया है, और करहल का भी इंटरनल सर्वे उन्होंने कर लिया है और उन्होंने कहा कि अब पीडीआई परिवार रिकॉर्ड बनाएगा, इसीलिए उन्होंने हमारे ही रिश्तेदार को उतारा है, और जो रिश्तेदार होता है, और कैसे रिश्तेदार हैं हमें बोलना नहीं है उसमें, कई चीज छिपा रहे हैं वो लोग, कई चीजों से बचना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें बनाया गया प्रत्याशी। इसलिए मैं करहल के लोगों से कहना चाहता हूं कि इतने वोटों से हराना कि वो दोबारा कभी सोचे नहीं चुनाव लड़ने के लिए। जहां तक प्रदेश की राजनीति का सवाल है, अब सरकार के पास उतना समय नहीं बचा है जितना आज से कुछ समय पहले उन पर समय था, अगर हम गिनती करेंगे अब उन पर समय नहीं बचा है, चुनाव उपचुनाव के बाद एकदम शुरू हो जाएगा। ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये उपचुनाव एक संदेश देने का भी काम करेगा, और जो समय बचा है सरकार के पास, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा, महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होगा,
उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल अगर कहीं मचेगी तो वो उत्तर प्रदेश में शुरुआत करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति तय करता है। और बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से वो बाहर हो गए तो फिर वो देश की राजनीति से भी बाहर हो जाएंगे। जब लोकसभा में मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा था कि ये जो सरकार बनी है ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है, और पता नहीं कब गिर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 9 सीटों का रिजल्ट आए तो उत्तर प्रदेश के तो विदा होंगे ही होंगे, हो सकता दिल्ली वाले भी विदा हो जाएं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो अपनी प्रतिष्ठा बना करके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 9 की 9 सीटें जीत लेंगे, और 9 सीटें जीतने का तरीका क्या अपनाया है कि पहले बीएलओ हटा दो, बीएलओ की सूची मंगा लो, बीएलओ में ये देख लो कि इसमें कोई पीडीए परिवार का तो नहीं है, और अगर पीडीए परिवार का है तो उसे सूची से बाहर कर दो। फिर उससे ऊपर वाले अधिकारी देखे गए कि अधिकारी और कौन कौन हैं। जब उन्होंने उसकी भी सूची मंगा ली, उसमें भी पूरा सफाया कर दिया पीडीए के परिवार का, तब उन्होंने चुनाव की तारीख घोषित की है। लेकिन बीजेपी के लोग ये ना भूल रहे, अभी तो हम लोगों ने उन्हें उत्तर प्रदेश में हराया है, इंडिया गठबंधन ने और पीडीए ने मिलकर के 36 सीटें प्लस 7 43 सीटें हार गए। और इन्हीं कार्यकर्ताओं को अगर पता होता कि हम लोग 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो हो सकता था यहां का कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमें 60 से ज्यादा भी लोकसभा जिता सकता। और अब तो हम लोग बीजेपी को हराना जान गए हैं, रणनीति बनाना जान गए हैं, लोगों का सम्मान कर करके उनको जोड़ना जान गए हैं, दूसरों को जगह दे करके त्याग करना जान गए हैं। तो देख लेना आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिणाम ऐसा परिणाम आएगा कि कभी बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। हालांकि बीजेपी के लोग सो नहीं पा रहे जब से अयोध्या हारे हैं। जब 1 करोड़ सोते हैं तो उन्हें यूपी की याद आ जाती है कि यूपी में कैसे हार गए, और जैसे ही करवट दूसरी कर करके अयोध्या की याद आती तो फिर नहीं सो पाते। तो इतनी बड़ी हार हुई है यूपी से जिसकी वो अभी तक भरपाई नहीं कर पाए, इसीलिए पीडीए की काट ढूंढ रहे हैं, पीडीए की काट, कि ये पीडीए को कैसे काट की जाए। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं ये पीडीए की लड़ाई वही पुरानी लड़ाई है, कोई ये नई लड़ाई नहीं है। जो कभी डॉक्टर रामनल लोहिया या उनसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या तमाम सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने वाले जितने भी हमारे नेता हैं, या नेताजी या डॉक्टर रामनल लोहिया, जिन्होंने जो रास्ता दिखाया वही पीडीए का रास्ता है, वही पीडीए की लड़ाई है। जब हम लोग पीडीए की बात करते हैं तो बीजेपी के लोग घबराने लगे हैं और कार्ड ढूंढ करने के लिए कह रहे हैं कि हम भी पिछड़ा और दलित लड़ाएंगे। लेकिन हम अपने पीडीए परिवार के लोगों को कहना चाहते हैं, ये केवल चुनाव के लिए उन्होंने नाम बढ़ाए हैं, लेकिन सच्चाई में वो उनको कुछ नहीं देना चाहते। पिछले 10 साल दिल्ली के और अभी तक उत्तर प्रदेश के सरकार ने जितना भेदभाव किया है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। राजनीतिक तौर से भी भेदभाव किया है, समाज में भी हम लोगों के साथ भेदभाव किया है, अधिकारी गण होंगे वो जानते होंगे भेदभाव किया है, और इतना अन्याय भी कभी नहीं हुआ होगा जितना अन्याय सरकार में हुआ है। जो लोग सरकारी कर्मचारी होंगे या सरकार के आसपास काम करते होंगे वो जानते होंगे इतना भेदभाव कभी नहीं हुआ है, इतना अपमानित भी कभी नहीं होना पड़ा है। और हम लोगों ने ऐसे भी समय देखा, ऐसा मौके देखे जहां पर इन्होंने हर सीमा को लांघे तोड़ दिया इन्होंने। हाल ही में आपको याद होगा जब सुल्तानपुर की डकैती हुई और सुल्तानपुर की डकैती को लेकर के पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बैंकें लूटी जा रही हैं, बैंकें लूट रही हैं, एटीएम लूट रही हैं, सुनारों को मारा जा रहा है, सुनार लूटे जा रहे हैं। हम आपसे कहेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो आंकड़े भी अगर आप निकालोगे तो अभी तक
जितनी बैंक डकैतियां हुई हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। इसके साथ साथ हमारे सुनार या सोने का काम करने वाले कारोबारियों का सबसे ज्यादा हत्या अगर कभी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। जब वो जवाब नहीं दे पाए तो आपको याद होगा मंगेश यादव की इन्होंने हत्या करने का काम किया, और उस पर भी जब सवाल हम लोगों ने खड़े किए तो सोचिए सरकार ने क्या किया, बैलेंस करने के लिए एक छत्री को मार दिया। बताइए कहीं हत्या करके बैलेंस किया जा सकता है क्या किसी को? पहले तो आपने एक हत्या की और फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी हत्या कर दी। इस सरकार ने मुठभेड़ के बहाने एक हत्या नहीं की है, दो दो हत्याएं की हैं, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी न संविधान मानती है न कानून मानती है और न ही लोकतंत्र पर भरोसा करने वाली पार्टी है। इसलिए जब कभी भी जनता को आने वाले समय में मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था में जो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई, और जिन्होंने ध्यान से अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे पुलिस भी लूट रही है आजकल। यहां तो कोई नहीं कहेगा लेकिन सब जानते हैं कि इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं बढ़ा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। और किसी भी स्तर पर देख लीजिए, पहले हम लोगों ने कानपुर में देखा था कि पुलिस वाले चांदी चुरा के ले गए थे, और अभी दो दिन पहले पता लगा कि वो पैसे जो थे वो भी चोरी कर लिए पुलिस ने, उसमें पुलिस ही पकड़ी गई। ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा कि जो पुलिस चोर को पकड़ती है पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है, ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जिन्होंने कहा नौकरी दे देंगे, अब नौकरी है कहां, रोजगार कहां है बताओ? पिछले 7 साल का हिसाब लगा लो कितनी नौकरी मिली, रोजगार नहीं, महंगाई कहां पहुंच गई है बताओ? डीजल पेट्रोल या जिन बातों को हम लोगों ने चुनाव में कहा था बताइए कहां पहुंच गए? और आज भी कीमतें कैसे कम हो उसको लेकर के सरकार को कोई चिंता नहीं है। आज सुबह सुबह जब मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा था तभी मुझे बीबीसी की एक कवरेज मिली है, और बीबीसी की स्टोरी यह है कि नोएडा में भी खुले जानवर घूम रहे हैं। सोचो अगर नोएडा जैसी प्रतिष्ठित जगह और दिल्ली के इलाके के पास सबसे ज्यादा खुले जानवर घूम रहे हो सड़कों पे, तो आप कल्पना कर सकते हो उत्तर प्रदेश में दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा होगा। और ये सरकार वो है जिसके प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि एक हफ्ते के अंदर खुले जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। समाधान तो किया नहीं लेकिन किसानों को अपने खेतों पे तार लगाने पड़ गए हैं, और आज भी किसान अपने खेतों पे तार लगाए बैठा हुआ है। जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए थी आय दोगुनी के को लेकर के, अगर खाद और डीएपी लेने गए हो तो हालत क्या है बता दो आप, कहीं डीएपी हो तो बता दो कहीं, और डीएपी को लेकर के लंबी लंबी लाइने लगी हैं। चितकूट जैसी जगह पर जो सबसे गरीब इलाका है उसमें किसान को आत्महत्या करनी पड़ गई क्योंकि डीएपी नहीं मिली। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि लाइन में लगकर के जो खड़े हैं किसान उन्हें मारपीट करना पड़ रहा है। और ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था नहीं की है, और दूसरी स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, जो इस सरकार में 7 साल से पैसा नहीं कमा पाए, वो अब लग गए हैं डीएपी की दुकान पर समितियों में कि पैसा यहीं से कमा लो, अब कोई रास्ता नहीं बचा, यहीं से दलाली कर लो। और इसका परिणाम यह है कि आज हमारे किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत है डीएपी की तो उपलब्ध नहीं हो पा रही। किसान की आय दोगुनी कहां हो गई, कहीं किसी के हिसाब किताब में हो गई हो तो बताए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम समाजवादियों ने नेताजी से लेकर के अभी तक हम लोगों ने यही सोचा कि हमारा किसान कैसे तरक्की करे, हमारे गांव के लोगों के बीच में खुशहाली कैसे आए। जो रास्ता समाजवादियों का है उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है
जिससे गांव गरीब खुशहाल हो सकें। अंतोगत्वा सरकारों को भी समाजवादी नीतियां ही अपनानी पड़ेंगी, तब जाकर के हमारा गरीब और किसान खुशहाल होने का काम करेगा। ये सड़क के बारे में हम लोग हमेशा कहते थे, वो बात मैं आज भी कहता हूं कि जितनी सड़क अच्छी बनेगी या किसानों के लिए सुविधाएं होंगी, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। यही एक्सप्रेसवे के किनारे हम लोग मंडी बना रहे थे और मंडियां इसलिए बना रहे थे जिससे हमारे किसानों को और गरीबों को वहां भाव दे सके, उनको सुविधा मिल सके। लेकिन जैसी समाजवादी सरकार गई, आप जानते होंगे जितनी मंडियों का काम हुआ था उतना ही मंडी बनी है, उसके आगे मंडी नहीं बन पाई। और जो मंडी की व्यवस्था है वो भी मंडी की व्यवस्था इन्होंने खत्म करने का काम किया। आज मंडी की स्थिति सबसे खराब हो गई है, तो मंडी बर्बाद कर दी। जो सड़क बनाई वो सड़क चल रही है, वो तो अच्छी हम लोग बना ले गए, जो सड़कें अच्छी बनाई वो तो चल रही हैं, लेकिन बीजेपी की बनाई हुई सड़कें नहीं चल रही। ये एक्सप्रेसवे और इससे आगे जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा सड़क कैसी है, बुंदेलखंड में जो चले होंगे वो जानते होंगे सड़क कैसी है, पूर्वांचल वाली देखी होगी सड़क, वो जानते होंगे कैसी सड़क बनी है। हालांकि एक बार मैंने मजाक में कहा कि कभी कभी ठेकेदारों को देखने से पता लगता है कि इनका ठेका कितना बड़ा है, इनको ठेका कितना बड़ा मिला होगा। अगर कोई नई मोटरसाइकिल ले आए तो समझ लो कहीं ना कहीं ठेका पा लिया होगा, छोटा ठेका पाया होगा। बड़ी गाड़ी ले आए तो बड़ा ठेका पा गया होगा। आज के हिसाब से जो बड़ी गाड़ी आ रही है तो इसका ना और बड़ा ठेका पा गया होगा। लेकिन कमाल तो बीजेपी के ठेकेदार का है कि जो ठेका पाया उसके बाद ऐसी चीज ले आया, वो जो सड़क पर नहीं चलती वो हवा में चलती है। सोचिए ये स्थिति है और सरकार गोलमाल कर गई कि एक अधिकारी का या सुनने में आया, एक अखबार में छपा, सोशल मीडिया पे चला कि एक अधिकारी के घर से पैसे चोरी हो गए। कोई 1-2 लाख पैसे नहीं चोरी हुए थे, 1-2 करोड़ पैसे नहीं चोरी हुए थे। सुनने में आ रहा है कि 30 या 50 करोड़ से ज्यादा पैसे चले गए। और अगर 30 करोड़ से 50 करोड़ से ज्यादा की खबर है अखबारों में या सोशल मीडिया पे, तो सोचो कैसे लेके गया होगा। उसे कम से कम कई छोटे हाथी लगाने पड़े होंगे तब पैसा ले आ पाया होगा, क्योंकि जेब में नहीं रखते, बैग में नहीं रख पाओगे आप। अगर 30 करोड़ रुपया है तो कम से कम छोटा हाथी लगाना पड़ा होगा कई, तब जाकर के पैसा निकला होगा। तो सोचिए क्या स्थिति है। अगर उस सरकार के अधिकारी पर यदि आरोप लग रहा है और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है, तो सोचिए इस सरकार में कितना भ्रष्टाचार चल रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले एक डीएम का ऑडियो वायरल हुआ था, डीएम साहब उसमें अपना तय कर रहे थे कि कितना कमीशन लेना है, इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उन्हें कमीशन कितना लेना है। तो सोचिए जिलाधिकारी से लेकर के हर स्थान भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। जो लोग दूसरों पे उंगली उठाते थे, आज पिछले 10 साल दिल्ली के सरकार के और उत्तर प्रदेश की इतने दिनों की सरकार में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया। और जो सपना दिखा रहे हैं कि हम $1 trillion की इकोनॉमी बना देंगे, आप में से कितने लोग जान जाओगे कि $1 trillion इकोनॉमी क्या होती है। पहले तो 1 trillion ही समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, और बीजेपी वो काम करती जो किसी को समझ में नहीं आता। पहले वो जीरो टॉलरेंस कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पे, उसकी पोल खुल गई। जीरो टॉलरेंस वो करप्शन पे कह रहे थे, वो पोल खुल गई। और अब कह रहे हैं कि $1 trillion की इकोनॉमी बनाएंगे, और जो $1 trillion की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, बताओ उन्होंने बिजली का बिल कितना लेना शुरू कर दिया, बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। जो चीजें कम पैसे में आती थी आज बताओ कितने पैसे में आ रही है। इनकी सरकार चली तो जो रुपया की जो है वैल्यू, वो भी रुपये की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप ज्यादा पैसा लेकर के जाओगे और कम चीजें आपको उस पैसे में मिलेंगी। अगर पैसे की वैल्यू किसी ने खत्म की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसे की वैल्यू खत्म हो गई।
आप हजारों रुपए रखेंगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। और जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, हमें लगता है परिवर्तन जो आ रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को बहुत तैयार रहना पड़ेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में भी और काम और रोजगार के भी क्षेत्र में। अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हमें पढ़ाई का भी हिसाब किताब बदलना पड़ेगा। पढ़ाई कैसी हो, कौन से कोर्सेज हो, किन कोर्सेज के माध्यम से रोजगार नौकरी मिल सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो आज जो नई पीढ़ी आ रही है वो हम लोगों से ज्यादा जागरूक है, क्योंकि आज वो जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जानकारी हासिल कर रही है, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई और समाज को दिशा देने का काम करें। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, हमारे गुरुजी अगर कहें निबंधन लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, आज की पीढ़ी को जरूरत नहीं पड़ेगी निबंध किस टॉपिक पे लिखना है, केवल उतना टाइप कर देंगे मोबाइल पर और दूसरा बटन दबाएंगे तो उन्हें पूरा निबंध लिखा हुआ मिल जाएगा, उन्हें ज्यादा जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की वही पूरा का पूरा कॉपी करके दिखा सकते। तो सोचिए कितना बदलाव आ रहा है, एक क्लिक से जितनी जानकारी हासिल करना चाहोगे कर लोगे। इसलिए जहां दुनिया आगे बढ़ गई है, हमें दुनिया के साथ कैसे खड़े होने का मौका मिलेगा, उस दिशा में भी सरकार को और समाज को सोचना पड़ेगा। जिन देशों के बराबर हम लोग खड़ा होना चाहते हैं, उन देशों में क्या तरक्की हुई है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। जब उन देशों को हम लोग देखते हैं तो लगता है कि हमारा देश कितना पीछे छूट गया है, और इसीलिए बीजेपी के लोग जानबूझ करके हमें और आपको कुछ चीजों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, हमें और आपको उसी में उलझाए हुए हैं, धर्म की राजनीति में और जाति की राजनीति में, जिससे हम लोग बाहर न निकल पाए। हमें और आप पे सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा जातिवादी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनकी सूची देख लो, इनके मंत्री देख लो, इनके बैठे हुए पदों पर देख लो, आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जातिवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम पर और आप पर आरोप लगाते थे कि ये सरकार जाति के आधार पे चलाते हैं, आज देख लो सरकार कैसे चल रही है, कौन लोग चला रहे हैं, कौन लोग लूट रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो तो बहुत कमाल के हैं, वो तो इतने कमाल के हैं कि अगर उन्हें फ्री हैंड दे दो तो पता नहीं मुंह से क्या क्या और कह देंगे, इतना कुछ कह सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और कभी अधिकारी जो आपसे संबंधित हों उनसे जरा बातचीत करना और पूछना कि क्या हालत है ऊपर लखनऊ में, तो सच्चाई में वो बता देंगे कि उन्हें इतना डर डर के काम करना पड़ रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है, और देखिए तरीका क्या अपनाया इन्होंने कि सबसे पहले तो ये अन्याय करते हैं, और अन्याय का विरोध अगर आप करने जाओगे तो पुलिस को आगे कर करके आप पे झूठे मुकदमे लगा देंगे। तो बताओ लोकतंत्र बचा कि नहीं बचा? जिस तरह के काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं कोई नहीं सोच सकता है लोकतांत्रिक सरकार में नहीं हो सकता। इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि जो समाजवादी आंदोलन हम लोगों को मिला है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और नई पीढ़ी के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोगों को समाजवादी रास्ता अपना करके और समाजवादी विकास का जो रास्ता है उस पर चल करके और पीडीए के साथ लेकर के हम लोगों को इतिहास बनाने का काम करना है। मैं आदरणीय एमएलसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, आज उनका जन्मदिन है। इसी खुशी के साथ हम लोग लगातार जन्मदिन के दिन मिलते रहें, और जन्मदिन के दिन